देश में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनकर जाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों को मास्क पहनने के लिए पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा मास्क लगाने के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर जांजगीर के सब्जी मार्केट में पहुंचकर सब्जी व्यापारी और खरीदारों को मास्क वितरित करती हुई नजर आई। ये पुलिस विभाग ने सबसे पहले अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को मास्क दिए थे कि जब से ड्यूटी लगी है सब लोग मास्क पहन के ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि सभी लोग जो भी पब्लिक प्लेसेस में हैं उनको अनिवार्यतः मास्क पहनना ही है। तो यहाँ पे जितने सब्जी और फल वाले ठेले हैं वो रोज़ अनगिनत लोगों से मिलते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, तो इसीलिए आज सभी जितने भी फल ठेले जितने भी सब्जी के लगते हैं पूरे जांजगीर में उन सबको पुलिस के द्वारा मास्क वितरित किया जा रहा है। ये मास्क पहनने से काफ़ी हद तक संक्रमण से बचा जा सकता है, इस प्रकार की काफ़ी सारे मेडिकल प्रमाण अब प्रस्तुत हुए हैं, इसी कारण से सरकार ने मास्क पहनने को कंपलसरी किया है और इसका सभी लोग पालन करें, ये आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए है। और जब भी अपने घरों से निकलें तो किसी भी काम के लिए भले आसपास भी जा रहे हों तो भी अन्यवाह्य रूप से मास्क अवश्य पहने, अन्यथा आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने दुनिया भर में तांडव मचाने के बाद भारत में भी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 12,000 से ज्यादा लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हाई स्कूल में हम सब्जी के स्थान तिहाला मतलब मेडा मारी से और मांस बाटी से मल्ला हमन खरीदे लेहे हैं ओला लेहे के बाद माँ वो कही से कि एक ठिला आज पहनना एक ठिला कल पहनना धोके और ग्राहक कौन कैसना आते काय आते हमन बेचतन लेथन देथन और काला का है कैसे है तेला हमला जानकारी नहीं है, हमन मांस पहनथन हमला बीमारी नहीं हो। खबर मध्य प्रदेश के लिए जांजगीर चांपा से कृष्णा टंडन की रिपोर्ट।